कोई सूर्यवंशी अपनी जगह से नहीं हिलने वाली, बल्कि सूर्यवंशी सेम उसी डेट पर आएगी जिसका उसका रिलीज अनाउंसमेंट किया गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट राहुल भोज। और सुबह मैंने आपको बात बताई थी दोस्तों, एक वीडियो में बताया था कि सूर्यवंशी के प्रति इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि सूर्यवंशी ईद पर से खिसकने वाली है, यानी कि 2020 के ईद पर से। रीजन क्यों? क्योंकि सलमान खान की फिल्म आ रही है इंशा अल्लाह। अब फाइनली दोस्तों, एक लीडिंग वेबसाइट ने बात करी सूर्यवंशी कैंप के इनसाइडर से और हमें बातें पता चली है जो कि उन्होंने अपने न्यूज पोर्टल में डाली है। और ये बातें यही है कि सूर्यवंशी के लिए तो करण जौहर, अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये सारी कॉप फ्रेंचाइज में से सबसे बड़ी कॉप फ्रेंचाइज होने वाली है। और प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेम उसी डेट पर आ रही है जिसमें इसका अनाउंसमेंट किया गया था, यानी कि ईद 2020। और यहां पर यह भी बात मेंशन हुई है कि इतने से भी चांसेस नहीं है कि सूर्यवंशी अपनी डेट खिसकाएं। वेल दोस्तों, यहां पर इस सोर्स ने यह भी बात कही है कि इनफैक्ट मुंबई के सीनियर कॉप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यार, ये रोहित शेट्टी साहब क्या फिल्म बना रहे हैं और ये फिल्म ऐसी जो कि दोस्तों सलमान भाई की फिल्म इंशाल्लाह से टकराए। वेल, ये बात तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ है संजय लीला भंसाली द एक्लेम्ड फिल्म मेकर और दूसरी तरफ है मासेस की नर्व्स को पकड़कर आगे बढ़कर आए डायरेक्टर यानी कि रोहित शेट्टी साहब। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या है कहना, क्या ये जो क्लैश हो रहा है ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए या क्या? सारी बातें बोल दीजिए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज आपको पर्टिकुलरली हर एक बात की जानकारी देता रहूंगा।